अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आज़म और यहाँ पर आज हम एक कंप्लेन पर आए हैं, जिसमें जो है हम आपके सामने कैपेसिटर रिप्लेस कर रहे हैं, उसकी वैल्यू माइक्रोफैरेड के हिसाब से। तो इसमें कंप्लेन ये थी, प्रॉब्लम ये थी एयर कंडीशनर में कि एसी जो है चल रहा है, लेकिन बट कुछ टाइम बाद हीटअप होकर ट्रिप कर रहा है। बट यहाँ पर हमने जो इसमें फिज़िकली ही जो होल देखा है, वो हमें इसकी वायर्स जो है वो मेल्ट देखने को मिली कैपेसिटर से, एक साइड वाले जो स्टार्टिंग पॉइंट वाले जो है इसके कैपेसिटर के थिम्बल वो स्पार्क थे। तो इसको थिम्बल जो है इसके ठीक है, बट इस साइड से कैपेसिटर जो है वो फुल वीक हो चुका है और ये इस कैपेसिटर भी इस वक्त हीटअप है। ये आप देख सकते हैं कि इसमें से ऑयल भी इसका निकल चुका है, तो ये बिल्कुल डेड हो चुका है कैपेसिटर। और बाकी ओवरऑल वायरिंग जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो अभी जो है हमें क्या करना है, इसको जस्ट ऑन करना है और चेक करना है कि आपको हीटअप नहीं होता। तो अभी एसी को हमने ऑन कर दिया है, इंडोर यूनिट को, और ये देखिए एसी आउटडोर यूनिट भी चल चुका है फैन इसका, और कंप्रेसर भी इसका भी चल चुका है। ओके, तो हीट जो है ये दे रहा है, कंप्रेसर जो है वो रनिंग आ चुका है, और यहाँ पर अगर आपको क्लियरली दिखाएं तो मीटर लगाकर हम इसको एम्पीयर पर कर लेते हैं। एसी 15 एम्पीयर पर अभी ये चल रहा है, क्योंकि एसी जो है आपके सामने ये इसकी कैपेसिटी आप देख लें, 822 रेफ्रिजरेंट है इसमें, दूसरे नंबर भी अभी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, और 15 एम्पीयर ही इसके जो है इसके एम्पीयर भी लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं 15। एक्चुअली ये 24,000 BTU का है, ये देखें 24 है, ये इसका मॉडल नंबर 24, ये 24,000 BTU का है, मतलब ये 2 टन का यूनिट है, इसीलिए इसके एम्पेयर भी ज़्यादा है। और अभी हमने इसका टॉप कवर भी लगा दिया है, जिससे कुछ एम्पेयर इसके डोन होंगे, तो वो आप देख सकते हैं कि 13.9 इसके 14 के आसपास इसके एम्पेयर हैं, तो 14 और 15 के राउंड इसके एम्पेयर रहेंगे, 2 टन का ये यूनिट है, और बेहतरीन ये अभी चल चुका है। तो फ्रेंड, इसी के साथ साथ वीडियो करते हैं ख़त्म, और जिस दोस्त को किसी भी कोर्स चाहिए तो वो कॉन्टैक्ट करके स्क्रीन पर जो आपको कॉन्टैक्ट मिल रहा है व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट करके किसी भी कोर्स का अप्लाई कर सकता है, और जिसमें हमने जो है सिखाया हुआ है कि किसी भी टेस्टिंग वर्किंग उसमें जो कंपोनेंट लगे होते हैं, एरर्स, ट्रबल शूटिंग, ये सारी चीज़ें जिसमें हमने कवर कर ली थी। तो फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।